हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपीआरटीयू असाइनमेंट सॉल्यूशंस को। ये कोर्स टाइटल आपका है F.N2.5, कोर्स टाइटल है फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सो सेक्शन ए में जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया था वो था एक्सप्लेन द वेरियस मैथड फूड प्रोसेसिंग एंड इट्स एडवांटेजेस इन लाइफ। आपको फूड प्रोसेसिंग के मेथड्स और उसके जो एडवांटेजेस हैं आप हमारी डेली टू लाइफ में वो लिखने थे, तो आपको यहाँ से आंसर रीड आउट करने के लिए मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका एक्सप्लेन मिल्क प्रोसेसिंग, गिव सम एग्जांपल्स। आपको मिल्क प्रोसेसिंग के बारे में बताना था और फिर एग्जांपल्स के साथ, तो यहाँ पर इसके आंसर को इंक्लूड करा गया है, आप इसे रीड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था डिस्क्राइब द फ्रूट एंड वेजिटेबल सो वेयर कंपोजिशन साइकोलॉजिकल एंड इज बायोकेमिकल चेंजेस ड्यूरिंग राइपनिंग। यहाँ इसके आंसर को इंक्लूड करा गया है, आप इसे रीड आउट कर सकते हैं। और अगर आप UPR2 के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो एग्जाम में जाने से पहले आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस डेफिनेटली करके जाइएगा। नेक्स्ट आपका सेक्शन बी स्टार्ट होता है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन इंक्लूड करा गया है डेफिनेशन ऑफ फूड एडिटिव्स विद एग्जांपल। आपको फूड एडिटिव्स के एग्जांपल के साथ डेफिनेशन लिखनी है, यहाँ इसके आंसर को इंक्लूड करा गया है, आप इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था डिफाइन द चेलेटिंग एजेंट्स। आपको चेलेटिंग एजेंट्स पर एक नोट लिखना था, डिफाइन करना था, यहाँ इसके आंसर को इंक्लूड करा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था राइट अबाउट एनरिचमेंट एंड फोर्टिफिकेशन टेक्नोलॉजी। आपको एनरिचमेंट एंड फोर्टिफिकेशन टेक्नोलॉजी पे एक नोट लिखना था, यहाँ पर इसको डिस्क्राइब करा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था राइट अबाउट पास्टुरेशन एंड होमोजेनेशन, यहाँ पर इसके लिए ऊपर नोट लिखा गया है। आपको किसी वर्ड में या किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आपको ज़रूर आंसर करूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन था राइट अबाउट स्टेबलाइजर्स एंड थिकनर्स। आपको स्टेबलाइजर्स एंड थिकनर्स के ऊपर एक नोट लिखना था, डिस्क्राइब करना था, यहाँ इसके आंसर को इंक्लूड करा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था एक्सप्लेन द एजिंग एंड टेंडराइजिंग ऑफ मीट। एजिंग और टेंडराइजिंग ऑफ मीट के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन देनी थी, यहाँ इसके आंसर को इंक्लूड करा गया है। ये आपके असाइनमेंट का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको और भी किसी असाइनमेंट का सॉल्यूशन चाहिए तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूँगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।